दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 15x30 मॉडल की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। इसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर मैंने डिजाइन किया है। फिलहाल सेकंड फ्लोर में खास कुछ नहीं डिजाइन किया, लेकिन बहुत ही बेहतरीन मॉडल है जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसका साइज की बात करें, चौड़ाई है 15 फीट और लंबाई की बात करें तो 30 फीट है, 15x13 हाउस प्लान है। तो इसी को डिस्कस करेंगे। पूरा बने रहिए इस वीडियो में लगातार, और अगर आपने हमारे स्मॉल हाउस प्लान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सके। तो चलो सब हमेशा की तरह मैं इसको ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखा देता हूं। जैसा कि ट्रांसपेरेंट करने पर दीवारें हाइड हो जाती हैं और आपको बेहतरीन सा मॉडल दिखने वाला है। ये मॉडल देखिएगा, इसकी जैसा कि मैंने आपको लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताया 15x15, तो टॉप से आपको ये देखिएगा ट्रांसपेरेंसी में, फ्रंट व्यू आपको ऐसा दिखने वाला है। तो पूरा डिस्कशन इसी के बारे में होगा। चलो इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव करके हम इसको ले चलते हैं ओरिजिनल पोजीशन पर। और इसके जैसे ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं तो आप फिर से वही मॉडल आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैंने रेलिंग भी लगा रखी है, लगभग 2.5 फीट का जो छज्जा निकलता है वो भी लगा रखा है। तो चलो मैं इसके इस वाले आपको ले चलता हूँ ग्राउंड फ्लोर पर। तो फ्रंट से तो आपको हूबहू ग्राउंड फ्लोर वैसे दिखने वाला है, लेकिन इसका टॉप व्यू देखिए अगर, और जैसे आप गेट से एंट्री करते हैं, यहां पर ये मेन डोर है और ये एक विंडो है। जैसे मेन डोर से आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाता है लेटरिंग एंड बाथरूम कंबाइंड होकर, सॉरी यहां पर मिल जाता है आप किचन, सॉरी ये किचन है आपको, और इसके लिए गेट दिया है। अगर आप वेंटिलेशन के लिए यहां पर जाली लगवा सकते हैं। और आपको जीने के नीचे मिल जाता है लेटरिंग एंड बाथरूम कंबाइंड, काफी ओपन, मैंने ज्यादा रूम से डिजाइन नहीं किया, छोटे छोटे। यहां पर एक आपको बड़ा सा बेडरूम मिलता है पीछे, आप देख पा रहे होंगे, और इसके लिए मेन डोर ये है। यहां पर आप चाहें तो आप वेंटिलेशन के विंडो भी दे सकते हैं रूम के, क्योंकि 15 फीट इसकी चौड़ाई है और लंबाई लगभग 12.5 फीट है। तो 15x12 फीट का ये रूम है, और ये आपका मिल जाता है कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम। यहाँ से मिल जाती है स्टेयर्स जो कि एल साइज की हल्की सी है और आपको ले जाती है ऊपर। तो ये पूरा मॉडल था। यहाँ पर आप सोफा या कुछ भी डाइनिंग सा इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर। और ये आपका किचन है। तो ये फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो जाता है, आप इसके डिस्कस करते हैं, सॉरी ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो जाता है, आप डिस्कस करते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर। तो चलो जैसे इस फर्स्ट फ्लोर पर आप चलेंगे तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सेम टू सेम ही डिजाइन किया है मैंने। गेट भी चेंज नहीं किया, विंडो भी चेंज नहीं किया, सिर्फ 2.5 फीट का ये बालकनी दे दिया है। और बस यहाँ पर चेंजमेंट होता है आपके, आप देखिएगा ये जो आपका स्टेयर्स है, और जैसे आप यहाँ पर आते हैं ये स्टेयर्स जो मैंने दिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा स्टेयर्स बाथरूम में ओपन होगी, बट ऐसा नहीं है। ये बाथरूम के थोड़ा सा बाहर है, बाथरूम आपका उसके जस्ट नीचे है। जो मैंने गेट दिया है वो आपको लग रहा होगा जस्ट बाथरूम, बट वो ऐसा नहीं, नीचे है, क्योंकि आपको ऊपर से जो 3 फीट का जीना चढ़ के जाएंगे उससे निकलने के लिए रास्ता होगी, बाद बाकी आपका बाथरूम होगा। जैसे आप यहां पर आते तो सेम टू सेम पीछे वाला बेडरूम वही रहेगा, लेटरिंग बाथरूम फिर से वही रहेगा, बस आपके यहां से किचन हटकर आपका एक बड़ा सा बेडरूम डिजाइन हो जाएगा। जैसा कि आपने पीछे देखा, सेम टू सेम पीछे वाला है बेडरूम, यहां पर भी डिजाइन होएगा। और आपको बेहतरीन सा यहां पर एंट्री के लिए गेट मिलता है, वेंटिलेशन के लिए आप विंडो यहां दे सकते हैं या ग्लासेस दे सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर। और पीछे की बात करें तो सेम टू सेम वही रूम है। तो ये पूरा मॉडल जैसा कि आपने देखा 15x30 का। अगर आप चाहते हैं कोई रिक्वायर्ड मॉडल कि सर मुझे इस टाइप का मॉडल चाहिए, फिलहाल कमेंट्स बहुत सारे लोगों को आते हैं, प्लस मैं उन्हें सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि सारे कमेंट्स में एक दिन में 100 कमेंट 150 कमेंट्स आ जाते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि मैं सारे मॉडल डिजाइन कर सकूं। तो मैं एक रैंडम मॉडल चूज करता हूं जो आपके लिए बेनिफिट्स होता है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मॉडल हमेशा देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप वीडियो को बस वॉच करें, और भी हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं। 15x30 की बात करें, यहाँ पर भी 2 से 3 मॉडल आपको मिल जाएंगे, विद कार पार्किंग, विदाउट कार पार्किंग, सभी टाइप के मॉडल आपको अलग अलग डायमेंशन के, अलग अलग साइज के मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल जानने के लिए हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान पर आप जरूर विजिट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपसे गुजारिश करूंगा इन वीडियो को आप फेसबुक, व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड या मित्रों के साथ जरूर शेयर साझा करें, जिससे कि आप हमारे वीडियो को थोड़ा बढ़ावा देंगे तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। और आपसे मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, और हमारे चैनल से जुड़े नहीं तो जुड़